गाइज ये तो आपको पता है, फ्लिपकार्ट ने अपना फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, अमेजोन ने अपना अमेजोन आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रखा है, तो भैया स्नैपडील पीछे क्यों रहे? स्नैपडील ने कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में टाइप करने के बाद में अपना एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। मैंने ये कार्ड आपको अप्लाई करके भी दिखाया था गाइस, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिसे मुझसे बोल लेते कि भाई हमारा ये कार्ड नहीं बनना है क्योंकि हम पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं। जब हम इसको अप्लाई करते हैं वहाँ पर लिखा आता है आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, मतलब आपके पास ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड है, भैया हमें बताओ हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले से कस्टमर है या नहीं भी है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ में, अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मैं पहले से कस्टमर हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। और इस कार्ड को बनाने के लिए ना तो मुझे कोई इनकम प्रूफ देना पड़ा, ना ही आधार कार्ड, ना ही पैन कार्ड, ना ही कोई सेल्फी, ना ही कोई वीडियो केवाईसी, ना ही कोई इनकम प्रूफ, कुछ नहीं देना। 2 मिनट के अंदर मेरा कार्ड बन गया क्योंकि मैं पहले से कस्टमर हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। वो बना कैसे वो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, गाइस वीडियो में बने रहना। अगर आप नए कस्टमर हैं, पहली बार आप कोई कार्ड बनाने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आप अपने पास रखो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए और कार्ड को अप्लाई कीजिए। कैसे करना है उसके लिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस वीडियो को आपको लाइक भी करना होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइज एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप कहां पर जाएंगे, snapdeal.com पर। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने स्नैपडील ओपन कर रखा है और यहां पर अगर आप देखेंगे स्नैपडील और बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों दोनों के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। हो जाओ हर खुशी के लिए तैयार क्योंकि अभी जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं भैया स्नैपडील का क्रेडिट कार्ड। सेविंग कर सकते हैं आप पूरे 7,000 रुपये तक की एक साल में अगर आप बनाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्नैपडील क्रेडिट कार्ड। इसका नाम है स्नैपडील BOB क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड है, पावर्ड बाय रुपे। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नंबर टाइप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव बेनिफिट आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर आपको यहाँ पर मिलेगा। स्नैपडील के लिए बेनिफिट जबरदस्त वाला है, 5% अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलेगा जब आप इसको यूज करेंगे स्नैपडील पर, और कहीं नहीं ओनली स्नैपडील पर। इसके अलावा 10 रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे हर एक 100 रुपये स्पेंड करने पर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। 4 रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको मिलेंगे ऑल अदर स्पेंड करने पर, कहीं पर भी अगर आप करेंगे। 1 रिवॉर्ड्स कितने का होगा, 0.25 पैसे का, यानी 4 रिवॉर्ड्स 1 रुपये के। इसके बाद गाइस फ्यूल में आपको 1% का वाउचर यहाँ पर सर्चेज व्यूअर आपको यहाँ पर मिलेगा। और गाइस आप 6 से 36 महीने की EMI को कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पर यूज करेंगे पैसे। और यहाँ पर क्या तीन एब्सोल्युटली फ्री एड ऑन कार्ड आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी अगर आपका कार्ड बन जाता है और आप अपने फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं इस कार्ड को तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यह 50% डिस्काउंट आपको यहाँ मिलेगा। एक्सिगो में भी आपको 8% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। विंक म्यूजिक में 40% डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिलेगा। और पॉकेट FM में आपको 300 रुपये फ्री मिलेंगे, यहाँ पर पता नहीं क्या है ये, ठीक है। तो गाइस देखिए बेनिफिट आपको बता दिया, अब आप कीजिए क्या, अप्लाई नाउ पे क्लिक। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे गाइस, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट पता है कहाँ पे क्लिक करेगा आपको, डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको करेगा। लेकिन ये कर क्यों नहीं रहा है यार, चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आ चुके हैं जहां पर अभी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है तो भैया आप छोड़ दो उसको, यहां पर आपको ऑफर नहीं मिलने वाला है, आपको ये मना कर देगा, आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है। आपके पास अगर बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पर टाइटल में आपका जो है श्री श्रीमती श्रीमान जो भी है चूज कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको डालना होगा जो आपके पैन कार्ड के अंदर हो, ईमेल आईडी, एरिया पिन कोड, पैन कार्ड का नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस जो है आप इंडियन है या जो भी है, टर्म्स एंड कंडीशन, जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को तो आपको मना कर देगा, नहीं तो ये OTP डालने के बाद आपको आगे बढ़ा देगा। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी गाइस, आपकी कंपनी का डिटेल आपको देनी होगी गाइस। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है PDF फॉर्मेट में आपकी इनकम प्रूफ देना होगा, ITR दे सकते हैं आप अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है तो सैलरी स्लिप, और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी होगी, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी, सेल्फी अपलोड करनी होगी और सबमिट कर देना होगा एप्लीकेशन को। 15 से 16 दिन लगेंगे या 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकता है आपकी वेरिफिकेशन होने में, आपकी एक बार वीडियो KYC भी जरूर होगी गाइस। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो कार्ड आपका बन जाएगा। ये तो है बनाने का तरीका उनके लिए जो नए कस्टमर है। अगर आप पुराने कस्टमर है गाइस, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको छोड़ दो। आप एक नंबर नोट करना गाइस व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा व्हाट्सएप नंबर है, क्या नंबर है, ये नंबर आप सेव कीजिए, 720-84-76-628, यानी गाइस 720-84-76-628, ये नंबर आप सेव कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और नंबर देख लो।
इस नंबर को सेव जब आप करेंगे गाइज तो आपको यहां पर बहुत सारे ऑफर मिलते रहेंगे। यानी गाइज बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कस्टमर को स्नैपडील क्रेडिट कार्ड के लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर करेगा, जिसमें आपको ना तो इनकम प्रूफ देना, ना आधार कार्ड देना, ना पैन कार्ड देना, ना वीडियो केवाईसी करनी, कुछ भी नहीं करना है। बस आपका कार्ड बन जाएगा दो क्लिक के अंदर। मैं आपको दिखाता हूं आपको क्या करना है गाइज। देखिए यहां पर मैं अगर आपको लास्ट में दिखाऊं यहां पर क्या है मेरे लिए, देखिए यहां पर क्या लिख रखा है, ये छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर BOB स्नैपडील क्रेडिट कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा स्नैपडील क्रेडिट कार्ड और ये बोल रही कि भाई आपके लिए यहां पर जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर देख सकते हैं। एज अवर कस्टमर वी ऑफर यू ए प्री अप्रूव्ड स्नैपडील BOB क्रेडिट कार्ड इज योर सेकंड। यानी गाइज आप इस कार्ड को बना लो, आपको हम सेकंड क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं, ठीक है। और इस कार्ड के बेनिफिट सारे यहां पर लिख रखे हैं। बस आपको क्या करना है गाइज, अप्लाई नो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अप्लाई नो पे जब आपके या व्हाट्सएप नंबर नहीं है, अपना मैसेज एक बार जरूर देख लेना, मैसेज के अंदर भी हो सकता है। मैसेज के अंदर भी नहीं है गाइज, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां पर आना है online.bankofbaroda.com पर। यहां पर जाने के बाद आपको यहां पर आपका यूजर नेम डालना है, जो भी आपका यूजर नेम होगा। मतलब अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है आपके व्हाट्सएप में, आपके मैसेज में, तो आप जो है डायरेक्टली लॉग इन कीजिएगा डैशबोर्ड में यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर आने के बाद में जो है आपको क्या करना है, ऊपर जो थ्री डैश दिखाई दे रहा है आपको वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, गेट एडिशनल कार्ड देख सकते हैं, गेट इंस्टेंट मनी ऑन क्रेडिट कार्ड। मेरे लिए यहाँ पर दो न्यू ऑफर है गाइज, मैं चाहूँ तो अपने कार्ड में जो मेरी लिमिट है उसके अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक एडिशनल कार्ड बना सकता हूँ। आपको अगर इस तरह का ऑफर दिखाई दे रहा है गाइज तो आपको क्या करना है, गेट एडिशनल कार्ड पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप गेट एडिशनल कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए गाइज मेरे लिए कौन से कार्ड के लिए ऑफर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज मेरे लिए यहाँ पर है स्नैपडील क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर। ये बोल रहे कि तीन स्टेप में आप इस कार्ड को बना सकते हैं, चूज ए क्रेडिट कार्ड, आपको इस कार्ड को चूज करना होगा। अप्लाई नाउ का टैब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। 249 रुपये इसकी ज्वाइनिंग फीस है, 249 रुपये इसकी एनुअल फीस है गाइज जो हमारी कटेगी। और सेकंड में गाइज यहाँ पर कार्ड डिलीवरी एड्रेस हमें चूज करना होगा, लास्ट में OTP डालनी होगी और हमारा कार्ड बन गया। 4 से 5 दिन के अंदर कार्ड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं गाइज, मैं यहां पर इस कार्ड को चूज करता हूं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूं। और गाइज जब मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो यहां पर देखिए गाइज मेरा एड्रेस आ चुका है सेकंड स्टेप के अंदर। ये बोले कि अपना एड्रेस यहां पर चूज किया और कंटिन्यू कीजिए, एडिट तो नहीं कर सकते हैं पहले से क्योंकि डिटेल मेरी यहां पर ऐड है। तो मैं क्या करता हूं उसको कंटिन्यू करता हूं, और कंटिन्यू करने के बाद गाइज नीचे यहां पर जो है कुछ ये पूछ रहा है कि भाई आप कुछ स्पेशल ऑफर चाहते हैं SMS के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो भी आप यहां पर चूज कर लीजिएगा। और चूज करने के बाद में गाइज आपको यहां पर क्या करना होगा, देखिए गाइज मैं जो हूं यहां पर जो है देखिए हाँ, तो यहां पर जैसे मैंने उसको कहां पे गया भैया, हाँ मैंने यहां पर इसको चूज किया। चूज करने के बाद जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार इसकी एक्सेप्ट किया और जनरेट OTP पे क्लिक किया। क्या होगा जब आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको डालनी है। OTP डालने के बाद गाइज देखिए यहाँ पर OTP मेरे पास जो है अभी आने वाली है, मैं OTP डालूंगा, आ चुकी है, सबमिट कर दूंगा, मेरी जो एप्लीकेशन है क्रेडिट कार्ड के लिए स्नैपडील क्रेडिट कार्ड के लिए वो सबमिट हो जाएगी। तो मैंने किया इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद गाइज अगर आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर यहाँ पर क्या लिख रखा है, थोड़ा नीचे हो जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल कार्ड हैज़ बीन रिसीव्ड। ये जो कार्ड है आपका 7 दिन के अंदर आपके घर पर आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन अब बात यह आती है आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि भाई साहब देख कार्ड तुम्हारा मैंने सबमिट कर दिया इसको, अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगी गाइज कि भैया इस कार्ड में हमें अलग लिमिट मिलेगी या वही रहने वाली है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूँ गाइज, यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो सेम रहने वाली है जो आपके पहले कार्ड के अंदर थी। यानी गाइज अगर आपके पास BOB का कोई पहले क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट 1.5 लाख या 2 लाख 50 हज़ार जो भी है, ठीक है, उतनी ही लिमिट आपको इस कार्ड के अंदर मिलने वाली है, चाहे आप स्नैपडील कार्ड को यूज करें चाहे उसको यूज करें। अगर आपने स्नैपडील कार्ड को यूज कर लिया तो उसकी लिमिट खत्म, उसको यूज कर लिया तो उसकी लिमिट खत्म, लिमिट सेम रहेगी, कार्ड आपके पास दो रहेंगे। हाँ, जो स्नैपडील के बेनिफिट आपको मिल रहे हैं कार्ड के वो मिलेंगे स्नैपडील क्रेडिट कार्ड के अंदर, 500 का वाउचर भी आपको यहां पर मिलेगा। और मेरा कार्ड भी यहां पर चल देता, मेरे पास एक मैसेज आया था यार कल कि आपका कार्ड जो डिस्पैच हो चुका है आपको ये 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पता नहीं कहाँ गया यार, मैं आपको दिखा भी रहा था, छोड़ो यार, ठीक है। तो गाइज आप अगर बनाना चाहते हैं स्नैपडील क्रेडिट कार्ड तो मेरे भाइयों पहले से कस्टमर अगर आप हैं तो जल्दी से जाकर आप स्नैपडील एप्लीकेशन BOB एप्लीकेशन भी है गाइज, ठीक है, मैं आपको BOB की एप्लीकेशन में दिखाता हूँ अगर इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई तो। BOB की एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल डालने के बाद भी आप ऑफर यहाँ पर चेक कर सकते हैं गाइज। अगर आपके लिए ऑफर होगा तो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऊपर ही।
तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑलरेडी दो क्रेडिट कार्ड है गाइज, यहाँ पर एक तो है ये वाला क्रेडिट कार्ड ऊपर देख सकते हैं सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, और एक है मेरे पास यहाँ पर एचपी का क्रेडिट कार्ड, और जैसे मेरा कार्ड वो जनरेट होगा स्नैपडील का वो भी यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, जब आपका कार्ड बन जाएगा ना आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। जब आपका कार्ड आएगा आपके घर पर तो आप उसको जो है यहाँ पर जो है सेट कर लेना उसके पासवर्ड वगैरह, और जो है आप जो है फिर उस कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बेनिफिट जो ऑफर है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऑफर वहीं पर मिलेगा डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही गाइस।